morning student, welcome to your online class from Maharaja Prasanth Public School. Today we will be doing long question answer of chapter 9, Water for Life. Jal hi jeevan hai. Is chapter ke hum aaj long question answer karenge. Your homework is right and learn this question. Our first question, what are the sources of water? हमारा first question है, what are the sources of water? पानी के क्या क्या स्रोत हैं? ठीक है? What are the sources of water? Rain is the main source of the water. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वाटर का मेन सोर्स क्या है. क्या है बच्चों? बारिश है ना. बारिश आती है तभी हमारी नदी नाले झरने समुद्र नहरें सब सब में पानी उसी के कारण आता है. तो हमारा मेन सोर्स वाटर का क्या है? रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर बट देयर आर सम अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर लाइक आर लेक्स झीलें पाउंड तालाब रिवर्स नदियाँ सी समुद्र एंड ओशियंस आल्सो और महासागर भी हैं. ये हमारे वाटर सोर्सेज हैं. समझ आया बच्चों? दोबारा से देख लीजिए. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर बट देर आर सम अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर लेक्स रिवर्स पाउंड सीज ओशियंस आल्सो. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन वी ड्रा आउट अंडरग्राउंड वाटर. हम अपने जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं? वी कैन बाय मैनी वेज ड्रा आउट अंडरग्राउंड वाटर. हम अपने जमीन से पानी कई तरीकों से निकाल सकते हैं. कैसे बच्चों? नंबर 1 वेल्स. ये जो हमारी सबसे प्राचीन अर्लियर डेज में क्या होता था, लोग जो वाटर यूज करते थे वो वेल बाय वेल करते थे, कुओं से पानी लेते थे है ना. और वो पानी कैसे लेते थे कि उस पर रिंग लगा होता था, बाल्टी में रस्सी बांधी और उस बाल्टी को रिंग के द्वारा नीचे कुएं में डाला और फिर उस बाल्टी में जब पानी ऐसे ऐसे करके भर लेते थे और उसको रस्सी से खींच लेते थे. तो मैंने यही बताया है आपको. नंबर 1 वेल्स. द स्ट्रिंग कहते हैं जो उस पर जो उसका लोहे का पहिया बंधा होता है. स्ट्रिंग गोज राउंड द ब्रू ऑफ द पुली टू मेक द बकेट. क्या करते हैं? जो रस्सी से बंधी हुई बाल्टी होती है उसके द्वारा जो स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग के द्वारा कुएं में उस बाल्टी को भेजा जाता है और फिर उसको अच्छी तरह पानी से भरकर फिर उस स्ट्रिंग के द्वारा ही रस्सी से खींचकर पानी को बाहर निकाला जाता है. तो इस तरीके से क्योंकि जो वेल्स में वाटर होता है कुएं में जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है. नंबर 2 ट्यूबवेल. ट्यूबवेल्स में क्या है? द वाटर ब्रॉट आउट थ्रू दिस पाइप यूजिंग. इसमें क्या होता है कि ट्यूबवेल में इलेक्ट्रिक के द्वारा पाइप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा पाइपों का यूज करके ट्यूबवेल से पानी जमीन के अंदर का अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है. आप कभी खेत पर गए हो, जैसे गांव में खेत होते हैं वहाँ पर अधिकतर ट्यूबवेल से ही पानी सिंचाई के इरिगेशन में यूज किया जाता है, सिंचाई के काम आता है. तो आपने देखा होगा ट्यूबवेल का जो पानी का जो पंप बाहर जो आता है नीचे बिजली की मोटर लगी होती है कुएं बना कर नीचे बिजली बहुत गहराई में मोटर लगी होती है वहाँ से ज़मीन का पानी उस इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा खींच कर पाइपों से बाहर निकाला जाता है. नंबर 3 है हैडपम्प. ये तो आप सब जानते होंगे. हैडपम्प क्या है? हैडपम्प जो एक हाथ के हत्थे से हम लोग ऐसे कर खींच चलाते हैं तो पानी बाहर निकलता है. लेकिन अब उसके लिए भी हमारे इलेक्ट्रिक पम्प लगाए गए हैं, जैसे कि घरों में जेट पंप यूज़ होता है और उसमें इलेक्ट्रिक बटन को दबाते ही पानी आता है. इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा ही
ये जेट पंप जो यूज करे गए, अब इसकी जो हेड पंप को हमने जेट पंप में यूज करना चालू कर दिया है। ओके, लेकिन ये भी अंडरग्राउंड वाटर ही यूज होता है, ये भी जमीन, ये जो जेट पंप के द्वारा हम पानी इलेक्ट्रिक सिस्टम के द्वारा हम जो लेते हैं, इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा जो जेट पंप से पानी लेते हैं, ये भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर ही यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, व्हाट इज बॉयल, बॉयली क्या है? बॉयली इज लाइक ए बिग टैंक, एक ये बड़ा क्या है, टैंक है तालाब की तरह, और विच हैज स्टेप्स ऑन ऑल इट्स साइड, और जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं, और यह जो पानी है, ये जो बनाया गया है टैंक, किसके लिए बनाया गया है, कि बारिश का पानी इसमें क्या हो, इकट्ठा होता है, इकट्ठा करे, बारिश का पानी वेस्ट ना जाए, और बारिश का पानी इकट्ठा हो, और फिर उस इकट्ठे पानी को ये साफ करके पीने योग्य या अदर एक्टिविटीज में यूज करते हैं। तो बच्चों को के समझ आए, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।